हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग चेंज करेंगे अपने Redmi Note 5 Pro के LCD स्क्रीन को, जो कि आप यहां पर सामने देख सकते हैं कि कैसे ये टूट चुका है, बिल्कुल ही बिखर चुका है। इसको हम लोग चेंज करेंगे और देखेंगे इस वीडियो में कि स्क्रीन चेंज करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है और ये कैसे होता है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं कुछ इस तरह के वीडियोज़ लेके आ जाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियोज़ को। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा Redmi Note 5 Pro, ऊपर में एक टेम्पर ग्लास है जो कि मैं लगाया हुआ था और ये भी टूट चुका है बहुत ही ख़तरनाक तरीके से। और यहाँ पर है हमारा LCD स्क्रीन, कुछ इस तरह से देखने में लगता है। देखिए, ये हर जगह से टूटा हुआ है, हर जगह से यहाँ पर क्रैक हो गया है हमारा LCD। और हम लोग इसको स्विच ऑफ कर देते हैं और उसके बाद मैं इसको ओपन करता हूँ और देखता हूँ ओपन करके कि कैसे ये सब होता है। और फाइनली यहाँ पर लगभग ये ओपन हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से इसका अंदर में पार्ट्स यहाँ पर रखा हुआ है, कुछ इस तरह से इसको असेंबल किया गया है। तो यहाँ पर कैमरा और यहाँ पर मदरबोर्ड, बैटरी और उसी तरह से सभी यहाँ पर फाइनल अंदर में कुछ इस तरह से यहाँ पर असेंबल किया गया, इसको फिटिंग किया गया है। तो हम लोग करेंगे हमारे जो नया LCD स्क्रीन जो मैं लेके आया हूँ उसको यहाँ पर थोड़ा चेक कर लेते हैं पहले, इन सभी चीज़ों को निकालने के से पहले ही। तो हम लोग इसको निकालेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा जो नया LCD जो मैं ऑर्डर किया था वो सही से काम कर रहा है या नहीं। तो पहले यहीं से मैं चेक कर लेता हूं उसे, उसके बाद मैं सारी चीज़ों को यहां पर जितनी भी स्क्रूस है उसको निकालूंगा। तो यहां पर सबसे पहले इसे जो रिबन है इसको हम लोग हटाएँगे। यहाँ से कुछ इस तरह से इसका सॉकेट दिया रहता है, यहाँ से हम लोग निकालेंगे और ये निकल चुका है हमारा स्क्रीन का, यही रहता है। इसको, इस रिबन को हम लोगों को निकालना होता है। और ये मैं स्क्रीन का रिबन निकाल लिया है, ऐसे सॉकेट से अलग कर दिया हूँ। और उसके बाद यहाँ पर हमारा है ये नया LCD स्क्रीन जो कि कुछ इस तरह से है। और ये भी एक वाइट कलर का स्क्रीन है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बॉडी के साथ में मैं लिया था, LCD स्क्रीन विथ बॉडी आता है, इसका जो फाइनल बॉडी आता है उसके साथ में मैं लिया था। तो इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से इसे बाय कर सकते हैं अगर आपके भी स्क्रीन ग्लास टूट चुका है। तो यहाँ पर फर्स्ट हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर उसको निकालिए और इसका यहाँ पर हम लोग डालते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर डाल दीजिए, फिटिंग कर दीजिए और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फिटिंग हो गया सॉकेट में। अब हम लोग अपने Redmi Note 5 Pro का जो स्विच ऑन होता है पावर बटन, उसको प्रेस करके इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही से काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर है पावर बटन, इसको हम लोग प्रेस करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MI का लोगो आ चुका है हमारे न्यू LCD स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पर देखते हैं कि सही से टच काम कर रहा है या नहीं, कुछ सब जो काम है हमारा आसानी से हो रहा है यहाँ पर या नहीं। कुछ इसको ऑन होने देते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं और इसको ऑन होने देते हैं। तब तक हम लोग देखते हैं यहाँ पर MI का लोगो और यहाँ पर है एंड्रॉयड। तो ये फाइनली हमारा जो फ़ोन है ये ऑन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पर तो काम कर रहा है। अब हम लोग अनलॉक करते हैं अपने फ़ोन को। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा जो स्क्रीन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, हर चीज़ अपने अपने जगह पर ठीक ठाक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर थोड़ा सा इसको निकालेंगे और पहले स्विच ऑफ कर देते हैं, उसके बाद से फिर इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं पावर बटन को प्रेस किया, उसके बाद ये स्विच ऑफ हो गया और यहाँ से एक बार प्रेस करूँगा, ऑफ हो गया ये। उसके बाद मैं इसको निकालता हूँ और पूरे स्क्रूज को मैं यहाँ से निकालता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको आप भी अपने घर के अंदर में असेंबल कर सकते हैं, न्यू स्क्रीन को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये सारे काम आप अपने हाथों से खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास एक स्क्रू ड्राइवर जिसके मदद से मैं सभी सॉकेट को यहाँ से निकाल लेता हूँ, जितने भी सॉकेट यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट का है ये और उसके बाद यहाँ पर बैटरीज का रहता है। तो इस सब को मैं एक बार स्क्रूज को ओपन करता हूँ और सभी चीज़ को मैं अनअसम्बल करता हूँ और उसके बाद मैं फिर से दिखाता हूँ आपको कैसे होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देख लेते हैं कि कितना टाइम लगता है मुझे ओपन करने में ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं सभी स्क्रूज को यहाँ पर निकाल रहा हूँ और निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर वाला पैनल हम लोग निकाल दिए और उसके बाद वहाँ पर रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी और सारी चीज़ें हैं, एक एक करके हम लोग निकालते हैं और देखते हैं कि कैसे ये निकलता है। तो इसके अंदर में भी स्क्रूज रहता है एक फिंगरप्रिंट के अंदर में, तो उसको भी हम लोग यहाँ से निकालेंगे। और हर चीज़ को निकालने के टाइम में हर चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि कौन सा पार्ट्स कहाँ पे था और फिर उसको वैसा ही फिटिंग करना होगा जब अपने न्यू बॉडी के अंदर में इसको असेंबल करेंगे उस टाइम में।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सभी चीज़ें जो मैं निकाल रहा हूँ, ये बहुत ही आसानी से ध्यान में रख के निकालना होगा और कोई भी पार्ट को डैमेज नहीं करना होगा आप लोगों को। सावधानी से निकालिए अगर खुद से ही काम आप कर रहे हैं तो। यहाँ पर देखिए कि ये मदरबोर्ड मेरा निकल चुका है कुछ इस तरह से। ये मदरबोर्ड है इसका और मदरबोर्ड को मैं साइड में रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बचा है बैटरी, नीचे का पैनल जो है, जो कि हमें चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर मिलता है, और यहाँ पर हमारा 3.5 एम ऑडियो जैक का जो पैनल रहता है इसको भी हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी स्क्रूज रहता है, तो इस स्क्रूज को मैं खोल लिया हूँ और कुछ बाकी होगा शायद इसमें, नहीं कुछ भी बाकी नहीं है यहाँ पर। ये बहुत ही आसानी से निकल गया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें है स्पीकर, और उसके बाद यहाँ पर एक पैनल बोर्ड रहता है जिसमें हमारा चार्जिंग पॉइंट और 3.5 एम ऑडियो जैक पॉइंट यहाँ पर आता है, तो इसको भी हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये अर्थ का केबल है, वायर है, उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। ओके निकल जा, हाँ ये भी निकल चुका है। तो इसको बहुत ही आराम से, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है ये और ये टूटने का बहुत डर रहता है, तो ये भी निकाल लीजिए। उसके बाद हमारा बैटरी को यहाँ से खींच के निकाल लेंगे। और उसके बाद हम लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पर बहुत ही आसानी से जैसे का जैसे उसमें फिटिंग था, हम लोगों को इस बॉडी में फिटिंग करना होगा यहाँ पर बहुत ही आसानी से। तो देखिए कि मैं कैसे कैसे फिटिंग करता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप फिटिंग कीजिए इसमें, और उसके बाद हम लोग तो ये वाला रिबन जो यहाँ पर था मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जो भी यहाँ पर पार्ट्स था, जो भी यहाँ पर चीज़ें थी, वो यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं, देखने लगाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या इसमें फिट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर था जो हमारा मोटर का जो वाइब्रेट करता है हमारा फ़ोन, वो भी यहाँ पर मैं लगा देता हूँ और यहाँ से निकाल के मैं इसमें लगा रहा हूँ। तो आप भी कुछ इसी तरह से कीजिए, सभी का सभी यहाँ पर जितने भी यहाँ पर टेप रहता है, जो डबल साइड टेप रहता है, वो सभी टेप को आप आसानी से निकाल कर और जहाँ जहाँ था वो इस बॉडी में आप फिटिंग करते जाइए। जो जहाँ जहाँ है सेम उसी तरह से यहाँ पर आप फिटिंग करते जाइए, इसमें से निकालिए और इसमें वहीं का वहीं डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैं सभी का सभी चीज़ें लगभग निकाल चुका हूँ। एक दो चीज़ें और है जिसको मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं निकालूँ और चीज़ों को, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ही ध्यान में रख के आपको निकालना चाहिए ये सभी चीज़ों को। तो यहाँ पर टाइम पर लगेगा कुछ ज़्यादा ही, तो मैं कोशिश करता हूँ कि काफ़ी कम टाइम में ये सभी काम करने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि वीडियो कहीं भी थोड़ा सा फास्ट कर दूँ। और एक चीज़ यहाँ पर बाकी रह गया है, उससे भी मैं यहाँ पर फिट कर लेता हूँ, तो उसे भी थोड़ा सा फिट करके मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे उसे फिट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसे फिट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैं फ़िट कर दिया, थोड़ा सा दबा दीजिए ताकि वो चिपक जाए उसके अंदर में, और उसके बाद हम अपने मदरबोर्ड को इसमें फ़िट करेंगे। बहुत ही आसानी से जैसे था वैसे ही यहाँ पर मदरबोर्ड को यहाँ पर फ़िट कर देंगे बहुत ही आसानी से। और यहाँ पर LCD स्क्रीन को यहाँ पर लगा देंगे, बैटरीज को लगा देंगे, यहाँ पर जो चीज़ें थी पहले वो सेम वैसे ही लगा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ोन है वो कुछ प्रॉब्लम बता रहा है, यानी कि कुछ दिक्कत होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टिकर लगा हुआ है वो थोड़ा सा हाइट ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारा मदरबोर्ड यहाँ पर अच्छे तरीके से फिटिंग नहीं हो रहा था। तो उस स्टिकर को हम लोग निकाल देंगे जो कि हमारा LCD के साथ में आता है, वहाँ पर ऑलरेडी डबल साइड टेप रहता है, तो मैं उसके ऊपर ही चिपकाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो थोड़ा सा हाइट हो रहा था, इसलिए मैं उसको यहाँ से निकाल दे रहा हूँ। और उसके बाद हम अपने मदरबोर्ड को इसमें फिटिंग करके देखेंगे कि कैसे होता है ये फिटिंग। तो कुछ इस तरह से इस स्टिकर को आप निकालिए और उसके बाद फिर से यहाँ पर मदरबोर्ड को चिपकाइए उसके जगह पे, और यहाँ पर हम अपने फिंगरप्रिंट सेंसर को भी लगा देंगे। उसके बाद हम टॉप पैनल को यहाँ पर फिटिंग कर देंगे। उसके बाद जो चीज़ें जो पार्ट्स जहाँ थी वहाँ पर यहाँ पर इस नए वाले अपने बॉडी में फिट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको फिटिंग करने के लिए पूरे तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। लगभग हमारा पूरा काम हो चुका है, अब थोड़ा ही काम बचा हुआ है जो कि मैं करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप LCD स्क्रीन को यहाँ पर सॉकेट में मैच करके सेम प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर वो भी फिटिंग हो जाएगा कुछ इस तरह से। और फिटिंग करने के बाद सभी चीज़ें को आप अच्छे तरीके से यहाँ पर असेंबल कर लीजिए, जैसे ही आप निकाले थे जो चीज़ें, जो पार्ट्स, जो स्क्रूस जहाँ से सेम उसी तरह से निकालिए और वहाँ पर फिटिंग कीजिए। तो जो देखिए कि मैं इस नए वाले बॉडी में बहुत ही आसानी से इसमें फिट कर चुका हूँ, और यहाँ पर थोड़ी सी पार्ट्स को बाकी है तो उसे भी मैं यहाँ पर फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही आसानी से।
इस एसटी को भी निकाल दीजिए। और उसके बाद निकालने के बाद यहाँ पर जो नीचे पैनल था, जो पॉइंट था हमारा यूएसबी केबल का चार्जिंग पॉइंट और 3.5 mm ऑडियो जैक, ये सभी यहाँ पर एक इसका बोर्ड आता है, वो बोर्ड को भी यहाँ पर लगा दीजिए। उसके ऊपर एक पैनल आएगा जिसमें स्पीकर लगा रहता है, उसको भी आपको लगाना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत कर रहा था, एक जो होल था इसका वो आउट था, तो मैं उस होल को ही निकाल के फेंक दिया और काट दिया उसको। तो यहाँ पर आपको बॉडी जो था ओरिजिनल जो हमारा फ़ोन में लगा रहता था, थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर मुझे नीचे की साइड में देखने को मिला था, तो उसे भी मैं यहाँ पर पूरे तरीके से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और उसे फिटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि क्या फिटिंग होता है इसमें या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाला पैनल है, नीचे वाला जो बोर्ड है, उसे आसानी से मैं फिट कर चुका हूँ। उसके बाद उसके ऊपर एक प्लास्टिक का बॉडी आता है, उसको भी यहाँ पर फिट कर देते हैं। और यहाँ पर हमारा जो ये वायर है, इसे भी हम लोग आसानी से जैसे था पहले उसी में वैसे ही यहाँ पर फिट कर देते हैं। और फिट करने के बाद मैं बैटरी लगा के उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या हमारा जो फ़ोन है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। तो ये बैटरी का जो वायर है उसको नीचे से रखना चाहिए, इस जो सपोर्ट दिया गया है उसके ऊपर एक स्टील का, उसके नीचे से रखना चाहिए। तो मैं उसको ऊपर से डाल दिया था, तो फिर इसको निकालना पड़ा मुझे और फिर से इसको टाइट कर दीजिए बस, बहुत ही आसानी से। तो देखिए हमारा बैटरी फिटिंग हो गया है और हमारा फ़ोन जो है वो चालू करके देखते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि EMI का लोगो आया है, यहाँ पर रिबूट आया है, तो रिबूट को हम लोग करते हैं। रिबूट शायद किसी तरह का दिक्कत है हमारा पावर बटन या वॉल्यूम बटन में, इसकी वजह से दिक्कत आ रही होगी कोई चीज़ का। तो यहाँ पर वो दिक्कत ही सही हो गई और फाइनली हमारा जो फ़ोन है वो चालू हो चुका है बहुत ही आराम से। तो कुछ इस तरह से करके आप अपने फ़ोन को बहुत ही आसानी से स्क्रीन का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, दूसरा स्क्रीन फिट कर सकते हैं। अगर आपका स्क्रीन भी टूट गया हो या टूटने वाला हो या सोच रहे हैं चेंज करने के लिए, तो देखिए फाइनली चेंज हो चुका है हमारा स्क्रीन हमारे Redmi Note 5 Pro में। अब हम लोग काम करेंगे कि हमारा पीछे वाला जो बॉडी है, जो पार्ट्स है हमारा फ़ोन का, उसको भी हम लोग फिटिंग कर देंगे। और इसमें स्क्रूस नहीं रहता है, इसको सिर्फ ऐसे ही टाइट करना रहता है। तो ये टाइट हो गया बहुत ही आराम से, देखिए मैं इसको इस तरह से फिटिंग कर दिया इसमें और ये सभी चीज़ अच्छे तरीके से काम कर रहा है, किसी तरह का दिक्कत नहीं है इसमें। और हमारा जो पुराना वाला स्क्रीन है उसको मैं रखा हूँ यहाँ पर साइड में, मैं आपको उसको भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा फ़ोन एकदम रेडी हो गया है, यूज़ करने लायक हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर चीज़ सही से काम कर रहा है, मैं इसको पूरे तरीके से असेंबल कर लिया हूँ और सभी चीज़ प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी काम कर रहा है, टच स्क्रीन भी काम कर रहा है, सभी चीज़ सही सलामत सही तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, किसी तरह का दिक्कत यहाँ पर नहीं है। मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा अपने पुराने वाला LCD स्क्रीन को और उसके बाद मैं आपको, तो यहाँ पर देखिए फिंगरप्रिंट अच्छे तरीके से काम कर रहा है और किसी तरह का यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर नहीं हमें देखने को मिला। हर चीज़ सही सलामत काम कर रहा है। अभी मैं यहाँ पर सिम को डालूंगा और यहाँ पर ब्राइटनेस ज़्यादा कम करके चेक कर रहा हूँ कि क्या सच में ये सही स्क्रीन है या नहीं, एक अच्छा स्क्रीन हमारे पास मिला है या नहीं जो दूसरा स्क्रीन है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये था हमारा पुराना वाला स्क्रीन और जो हमारा नया जो स्क्रीन लगाया हूँ वे कुछ यहाँ पर है। मैं फिटिंग कर चुका हूँ, असेंबल कर चुका हूँ अपने Redmi Note 5 Pro में और ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।